क्वेश्चन नंबर 13 क्या फाइंड करना है, फाइंड द पॉइंट्स एट विच, ठीक है, पॉइंट पता करना है जिस पर द फंक्शन एफ गिवेन बाय, क्या फंक्शन गिवेन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू टू द पावर फोर, ये फोर है, एक्स माइनस टू टू द पावर फोर, एक्स प्लस वन टू द पावर थ्री, ये फंक्शन है हमारा, एक्स माइनस टू टू द पावर फोर, एक्स प्लस वन टू द पावर थ्री, हैज क्या होना चाहिए, फंक्शन हैज लोकल मैक्सिमम, वो पॉइंट फाइंड करो जिस पर फंक्शन एफ जो है उसका लोकल मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड, लोकल मिनिमा के लिए पॉइंट फाइंड कीजिए और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए पॉइंट फाइंड करना है फंक्शन। समझ में आया क्वेश्चन, क्या फाइंड करना है, समझ में आ गया, पॉइंट फाइंड करना है, तीन कंडीशन दिया हुआ है, लोकल मैक्सिमम होगा तब फाइंड कीजिए, लोकल मिनिमा होगा तो फाइंड कीजिए और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा तो फाइंड कीजिए, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा ये समझिए लोकल मैक्सिमम होता क्या है, ठीक है। तो जब हम इस गिवन फंक्शन का, कोई भी गिवन फंक्शन का, हम उसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और इसको पुट, उसको जीरो के इक्वल टू पुट करेंगे और वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे और उस सभी पॉइंट पर एक के बाद एक हम पॉइंट इसमें पुट करेंगे फंक्शन में, डेरिवेटिव में, और ये चेक करेंगे उस पॉइंट पर फंक्शन जो डेरिवेटिव है उसका साइन चेंज कैसे होता है, कि चेंज होता है या नहीं होता है। समझ में आया, डेरिवेटिव निकालने के बाद क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे और उस क्रिटिकल पॉइंट पे हम डेरिवेटिव की वैल्यू चेक करेंगे कि डेरिवेटिव की वैल्यू का जो साइन है वो चेंज होता है या नहीं होता है, ठीक। यदि डेरिवेटिव की वैल्यू का साइन चेंज नहीं होगा तो वह क्रिटिकल पॉइंट क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, साइन चेंज नहीं हो रहा है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। और यदि साइन प्लस टू माइनस चेंज हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है तो वो पॉइंट क्या होगा, लोकल मैक्सिमम, और नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा, लोकल मिनिमम, ठीक। तो ये समझ में आ गया होगा कि पॉइंट फाइंड करेंगे लोकल मैक्सिमम में कैसी कंडीशन होगी, लोकल मिनिमम क्या कंडीशन होगी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में क्या कंडीशन होगी, ठीक है। पॉइंट कैसे फाइंड करना है ये भी समझा दिया आपको, ठीक। तो गिवन फंक्शन लिख लीजिए, गिवन दैट फंक्शन क्या गिवन है, फंक्शन x माइनस टू टू द पावर फोर, एक्स प्लस वन टू द पावर थ्री, ये मैंने लिख लिया। फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है, ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ठीक, डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे दो फंक्शन है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, तो प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ u भी दो फंक्शन है, मान लीजिए फर्स्ट है सेकेंड है, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव किया इंटू सेकेंड डेरिवेटिव, ठीक, प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक। लाइक का करना है, एक का डेरिवेटिव नहीं करना है, एक का डिफरेंशिएशन करना है, एक का नहीं करना है, ठीक। तो यहाँ देखिए, फर्स्ट फंक्शन का हमने किया x माइनस टू टू द पावर फोर, क्या हो जाएगा, फोर इंटू एक पावर कम हो जाएगा, फोर इंटू एक्स माइनस टू टू द पावर थ्री, और इसको सेकेंड को वैसे ही लिख लिया x प्लस वन टू द पावर थ्री, फिर फर्स्ट को सेम लिखा x माइनस टू टू द पावर फोर, फिर सेकेंड फंक्शन का हमने डेरिवेटिव किया तो क्या हो जाएगा, थ्री एक्स प्लस वन और एक पावर कम हो जाएगा टू, ठीक। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों जगहों पर देखिए, एक्स माइनस टू पावर थ्री, एक्स माइनस टू पावर फोर, तो एक्स माइनस टू टू पावर थ्री कॉमन आ गया, क्या बचा इसकी जगह पे, इसी जगह पे क्या बचा, ठीक, यहाँ पे बचेगा एक्स माइनस टू, और x प्लस वन टू पावर थ्री, एक्स प्लस वन टू द पावर, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, तीन दोनों जगहों पे क्या कॉमन है, x प्लस वन का होल स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस वन, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म में x प्लस वन बचा और फोर, सेकेंड टर्म में से थ्री और x माइनस टू, ठीक है, ये दोनों बाहर हो गया, कॉमन हो गया, ठीक है। फोर से मल्टीप्लीकेशन, फोर एक्स प्लस फोर, ये वन है, ठीक है, x प्लस वन है, तो ये हो गया, फोर से मल्टीप्लीकेशन करेंगे फोर एक्स प्लस फोर, थ्री से मल्टीप्लीकेशन करेंगे थ्री एक्स माइनस सिक्स, थ्री इंटू टू सिक्स,
एक्स माइनस टू होल क्यूब, ये हो गया एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, और फोर एक्स प्लस सेवन, फोर एक्स प्लस थ्री एक्स बिकम्स सेवन एक्स, प्लस फोर माइनस सिक्स बिकम्स माइनस टू। ये फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड हो गया, ठीक है। अगला स्टेप क्या है, मैक्सिमम मिनिमम यदि हमें फाइंड करना है तो फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या करेंगे, जीरो, पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमने क्या फाइंड किया था, एक्स माइनस टू होल क्यूब, एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, सेवन एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। अब ये सब क्या है, प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट में है और उनका प्रोडक्ट यदि जीरो हो रहा है, क्या मीनिंग होता है इसका, कि ये या तो x माइनस टू होल क्यूब जीरो हो, या x प्लस वन का होल स्क्वायर जीरो हो, या सेवन एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो हो, ठीक है, ये मीनिंग होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था मुझे, x माइनस टू होल क्यूब जीरो होगा और x प्लस वन होल स्क्वायर जीरो होगा, सेवन एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, ठीक है, तभी जीरो होगा, ये जीरो से मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसी नंबर का तो जीरो मिलेगा, ठीक है, यहाँ समझ में आया। तीनों अलग अलग जीरो हो सकते हैं या तीनों में से कोई एक जीरो हो सकता है, हमें नहीं पता कि कौन जीरो है कौन जीरो नहीं है या तीनों जीरो हैं, इसलिए तीनों को अलग अलग लिख लिया, तीनों अलग अलग जीरो हो सकते हैं, पुट कर लिया। एक्स माइनस टू का होल क्यूब यदि जीरो है तो एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो होगा, तभी ये होल क्यूब जीरो होगा। एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर यदि जीरो है तो एक्स प्लस वन का इक्वल टू जीरो होगा, तो ये होल स्क्वायर जीरो होगा, और ये तो वैसे ही है, ठीक है। यहाँ देखिए क्या मिला, एक्स इक्वल टू टू, एक पॉइंट मिल गया, अगला पॉइंट एक्स इक्वल टू माइनस वन, और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से मिलेगा टू बाई सेवन, ये टू बाई सेवन है, ठीक है, टू बाई सेवन, तीन पॉइंट मिल गया। अब तीनों पॉइंट पे हम चेक करेंगे कि जो हमारी डेरिवेटिव की वैल्यू है एक्स इक्वल टू पे, एक्स इक्वल टू माइनस वन पे, और एक्स इक्वल टू टू बाई सेवन पे, ये डेरिवेटिव की जो वैल्यू है हमारी फर्स्ट डेरिवेटिव की, उसका वैल्यू चेंज, उसका साइन चेंज होता है या नहीं होता है, ठीक है। ये तीनों पॉइंट हम पुट करेंगे, देखते हैं इसका साइन चेंज होता है या नहीं होता है। अच्छा, साइन चेंज होता है तो कैसे होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है कि नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज होगा तो लोकल मैक्सिमम हो जाएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज होगा तो लोकल मिनिमम हो जाएगा, ठीक। तो ये पॉइंट लिया, एक्स इक्वल टू टू पे चेक कर रहे हैं पहले, तो एक्स इक्वल टू टू से एक्स की वैल्यू स्लाइटली लेस देन टू रखेंगे, ठीक है, स्लाइटली लेस देन टू 1.99 रख सकते हैं, ठीक है, और स्लाइटली ग्रेटर देन टू रखेंगे तो 2.1 रख सकते हैं। तो इसको चेक करके देखिए, यदि 1.9 रखते हैं या 1.99 रखते हैं और पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और नेगेटिव का होल क्यूब भी नेगेटिव, समझ में आ गया। फिर 1.99 पुट करेंगे, दोनों वैल्यू पॉजिटिव, स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा वैल्यू। फिर ये देखिए 1.99 का 7 से इंटू करेंगे, माइनस 2 करेंगे तो वैल्यू अभी भी पॉजिटिव आएगी, ठीक। अभी तीनों का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, इन तीनों का प्रोडक्ट, पॉजिटिव पॉजिटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव का नेगेटिव से तो नेगेटिव, तो होल टोटल जो हो गया वो डेरिवेटिव नेगेटिव आया। यदि लेस देन वैल्यू पुट करते हैं तो नेगेटिव आता है, स्लाइटली ग्रेटर देन 2.1 रखिए, 2.1 रखेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव हो गई, पॉजिटिव हो गई, ये स्क्वायर है तो पॉजिटिव है, 2.1 रखेंगे तो 7 से इंटू करेंगे और माइनस 2 करेंगे तो फिर पॉजिटिव हो गया, तीनों मिला के पॉजिटिव, तीनों मिला के पॉजिटिव, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा है वो नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, तो ये पॉइंट क्या होगा, लोकल मिनिमा, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, दस एक्स इक्वल टू टू इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, समझ में आ गया। स्टेप भी समझ में आएगा कि पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे लोकल मिनिमा के लिए, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करिए, पॉइंट वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कीजिए, और फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन चेक कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए कि कैसे चेंज हो रहा है। नेक्स्ट एक्स इक्वल टू माइनस वन पे चेक करते हैं, ठीक है। तो वही पुट करेंगे, एक्स स्लाइटली लेस देन माइनस वन,
स्लाइटली लेस देन माइनस वन तो क्या रख लिए, माइनस 0.9 रख लीजिए, स्लाइटली ग्रेटर देन माइनस वन तो माइनस 1.1 रख लीजिए। ठीक है, ये तीनों टर्म्स हमने लिख लिया ओफर डेरेटिव। अच्छा क्या अभी लेस देन माइनस वन 0.9 माइनस 0.9 तो ये नेगेटिव हुआ, नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव हो गया, माइनस 0.9 करेंगे तो पॉजिटिव हुआ, और स्क्वायर करने फिर पॉजिटिव हुआ, माइनस 0.9। अच्छा ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस टू करेंगे तो टोटल माइनस। अच्छा ये नेगेटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट करेंगे, तीनों को प्रोडक्ट करना है, नेगेटिव नेगेटिव पर पॉजिटिव, फिर उस पॉजिटिव को पॉजिटिव करेंगे तो टोटल पॉजिटिव आया। अब स्लाइटली ग्रेटर देन माइनस वन, माइनस 1.1 एज्यूम कीजिए, माइनस 1.1 फिर ये नेगेटिव हुआ, होल क्यूब करेंगे फिर नेगेटिव हुआ, स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव और माइनस टू फिर नेगेटिव हो गया, और तीनों को जब प्रोडक्ट करेंगे तो ये माइनस नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, फिर पॉजिटिव सेंटिव पॉजिटिव, तो साइन पहले भी लेस देन पे भी पॉजिटिव और ग्रेटर देन पे भी पॉजिटिव, मतलब कि फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं हो रहा है, एक्स इक्वल टू वन पे डज नॉट चेंज द साइन। ठीक है, हैंस दस एक्स इक्वल टू माइनस इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। अब एट एक्स इक्वल टू 2/7, एक्स इक्वल टू 2/7 में, एक्स इक्वल टू 2/7 में, एक्स इक्वल टू 2/7 पे चेक करते हैं, लेस देन 2/7 तो काम कीजिए आप 1/7 ले लीजिए, और ग्रेटर देन 2/7 स्लाइटली ग्रेटर देन 2/7 तो 3/7 ले लेते हैं, ऐसे पॉइंट में लेना चाहिए, ऐसे पॉइंट भी वैल्यू लेनी चाहिए, जैसे 2 है तो 1.9/7 और 2 ग्रेटर देन के लिए 2.1/7 लेना चाहिए। ठीक है, वैसे भी हो जाएगा, थोड़ी सी मैंने बड़ी क्वांटिटी ले लिया 1/7 और 3/7 कर लिया है, चलिए देखिए क्या फर्क पड़ता है। x माइनस 2/7 2 से छोटा है, 2/7 2 से छोटा है, स्मॉलर वैल्यू है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव आएगा, सब्ट्रैक्ट नेगेटिव का नेगेटिव क्यूब नेगेटिव हो गया, स्क्वायर है तो पॉजिटिव आने वाला है। 2/7 से छोटा मैंने वैल्यू लिया है, क्या लिया है, 1/7 ले लीजिए, 1.9/7 तो 7/7 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 1.9 माइनस करेंगे तो माइनस में नेगेटिव वैल्यू आएगी, और इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, चलिए ग्रेटर देन में चेक कीजिए, 2.1 पे चेक करेंगे, 2.1 अभी भी 2 से छोटा है तो क्यूब करने पे नेगेटिव और स्क्वायर करने पे पॉजिटिव आएगा, 2.1 लिया हमने, 7/7 कैंसिल, 2.1 से 2 करेंगे पॉजिटिव आ जाएगा, तो साइन पॉजिटिव पॉजिटिव प्रोडक्ट करेंगे प्लस, और उस पॉजिटिव का नेगेटिव से प्रोडक्ट करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आएगा, तो साइन चेंज हुआ कहाँ से, पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हुआ। जब भी साइन फर्स्ट डेरिवेटिव का पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होगा तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव चेंज साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव देन एक्स इक्वल 2/7 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। ठीक है, नोट कर लीजिए।